बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ के और बड़े काफी लोग जो है बड़े खुशियों से ये त्योहार उत्तरायणी का जो बढ़िया ही है, अच्छा लग रहा है। पढ़ने में सही हो? ठीक ही हूँ। पक्का ना? पूछ लूंगा मैं घर वालों से। उतना भी ठीक नहीं हूँ, ठीक ही हूँ। मतलब प्रोग्राम जो भी है अच्छा रखा है इन्होंने, बहुत मेहनत की और उन्होंने बहुत तैयारी की, धूमधाम से खूब अच्छे से देखना चाहती थी, मुझे आज मौका मिला उत्तराखंड। इस बार से यहाँ दो गुट हो गए, अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के, क्योंकि अगर एक ही होता तो काफी भीड़ हुई होती। अभी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल का, जिन्होंने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया और उत्तराखंड के जाने माने कलाकार यहाँ पे उपस्थित है। और मैं गणेश वंदना के लिए उत्तराखंड के रॉक स्टार प्रकाश काला को आमंत्रित करता हूँ। प्रकाश काला जी, भगवान की रागिनी मैया की, कितने बोलो देवता की। कुमाऊं मंडल सांस्कृतिक मंच बलजीत नगर, समस्त कार्यकारिणी उत्तरी मंडली, तुम्हारे बहुत बहुत शुभकामना। भाई सुमित मंडल आज जो मंच में निर्देशक है, तो गणेश वंदना कार्यक्रम शुरुआत करते हुए आज तो बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ दिखाई। खुनी का गणेशा है, बेड़ा हो या मोरी का नारेड़ा है, बेड़ा है या भूमि का उबेड़ा है, बेड़ा है या पंचनाम जीवा है, भूमि का Oh,
आया लो पहाड़ी, आया लो पहाड़ी, ये धरती माता सुनकर सोरी, धरती माता सुनकर सोरी, ठंडा करी था धूप धुप्यारी, ठंडा करी था धूप धुप्यारी, जय बदरीनाथ
दोनों ने इस मंच को चार-चार लगाने के लिए एक सामंजस्य स्थापित करना है। अब आप देखें, ग्रुप कहीं बहुत दूर से आया है, हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार पटेल नगर बस्ती नगर में उपलब्ध है, उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित करना। हमारे साथ में कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं और कुछ फैमिली हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं सामने जुड़े हुए हैं, और ये रामजेश के जो है वो गार्ड हैं, और श्री राम ये भी कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम लग रहा है देख के, और बड़े काफी लोग जो है बड़े खुशियों से ये त्योहार उत्तरायणी का जो होता है जी जी, बड़े हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं जी। और मैं यही कहूंगा पूरे देशवासियों के लिए 22 को जो है राम जन्मभूमि जी, उसके लिए जय श्री राम। जय श्री राम, क्या बात है। क्या क्या नाम है बेटा आपका? गोकुल। गोकुल, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ कि बढ़िया ही है, अच्छा लग रहा है। हाँ। अरे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में पढ़ते हो? हाँ। पढ़ने में सही हो? ठीक ही हूँ। पता ना पूछ लूंगा मैं घर वालों से, उतना भी ठीक नहीं हूँ, ठीक ही हूँ मतलब। ठीक है, मतलब पता लग गया कि हाँ कहीं पूछ ना ले। चलिए, क्या नाम है बेटा आपका? हितेश। हितेश, क्या कहना चाहोगे आज? अपने अपने उम्र के बच्चों को क्या कहना चाहोगे आज का जो, पता है आपको क्या है आज? हाँ, उत्तरायणी। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे आप अपने बच्चों, अपने बराबर के बच्चों को, आपके साथ में जो फ्रेंड है उनको क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा कि जो भी उत्तराखंड से है वो मतलब अच्छे से मनाए राम जन्म आज। चलिए, आप लोग देखने आए, कहाँ के रहने वाले? हम बलजीत नगर। नहीं, बलजीत नगर से आगे से कहाँ से हम? गाँव। हाँ, गाँव उलैनी। उलैनी अल्मोड़ा में पड़ता है। अच्छा, वो भी गढ़वाल साइड में पड़ता है। क्या नाम है आपका? सुनैना मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज का प्रोग्राम जो भी है अच्छा रखा है इन्होंने। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी जिला जौनपुर के हैं। जौनपुर से हैं? यूपी से हैं। और क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, अभिषेक मिश्रा नाम है। भाई साहब मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे आज? आज प्रोग्राम देखने आप लोग आए? जी, हम प्रोग्राम देखने आए थे। प्रोग्राम है जी, हम यहाँ प्रोग्राम नहीं जान रहे थे, लेकिन घूमने के आए थे, घूमने के लिए। यहाँ प्रोग्राम देखकर अच्छा लगा। अच्छा लगा, देख लिया आपने प्रोग्राम या अभी नहीं? जी, प्रोग्राम देखा, अब काफी टाइम से आए थे, अब यहाँ से निकलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ में एक मैडम और जुड़े हुए हैं, हम लोग एक बार इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रीना। वीना जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये संस्कृत में बहुत अच्छा आया कि अगर बहुत मेहनत की और उन्हें बहुत तैयारी की, धूमधाम से खूब अच्छे से प्रोग्राम सही अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। आप कहाँ से आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बिलोंग हापुड़ से। हापुड़ से? आप यूपी से ही हैं? हाँ जी सर। चलिए, बहुत बहुत। हमारे साथ में एक बहन जी जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम को लेकर के इसी रामजस ग्राउंड के अंदर में, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज जो है उत्तरायणी मकरैणी का जो है उत्तराखंड के लोग जो है उस प्रोग्राम को कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मैं, मेरे भतीजी खुद इसमें पार्टिसिपेट करती है, मैं कब से देखना चाहती थी, मुझे आज मौका मिला, खुद उत्तराखंड के ही हैं। तो इससे पहले आप लोग, आपने कभी प्रोग्राम ये देखा? ये नहीं देखा, एक बार हमारे यहाँ हुआ था ये मुबारकपुर में जी जी, तो तब से एक ही बार हुआ, वो हो नहीं रहा है, तो देखने का बड़ा मन था, आज यहाँ आने का मौका मिला। तो अभी आप मुबारकपुर से डायरेक्ट जी जी जी, मुबारकपुर से काफी दूर से आ रहे हैं जी। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे जो समाज के साथ में बने हुए हैं और जो समाज के साथ में? बहुत अच्छी बात है, सुना इस बार से यहाँ 2 गुट हो गए, अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के, क्योंकि अगर एक ही होता तो काफी भीड़ हुई होती, अभी तो सभी से जिससे मिलना जुलना भी था तो एक साथ हो जाता जी। अब दोनों में जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ इधर बट गए कुछ उधर, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी अच्छा है।
लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ नीचे कमेंट करना आप लोग जो है वो बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।